तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12 का आपका राजनीति शास्त्र विषय के पेपर में आने वाले सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख सकते हो। आज हमारे द्वारा पूरा का पूरा आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12 का आपका राजनीति विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर हल सहित बताया जाएगा। तो इसलिए आप सभी लोग दोस्तों यहां से इस क्वेश्चन पेपर वाले वीडियो को पूरा अंतिम समय तक जरूर देख लेंगे ताकि दोस्तों आप सबको पूरा का पूरा ये अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12 का राजनीति शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सोल्यूशन आपको समझ में आ सके। तो चलेगा प्यारे विद्यार्थियों, बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12 का आपका राजनीति का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा और इसका सोल्यूशन आप सबको कैसे बना लेना है। आप सभी लोग दोस्तों यहां से पूरा का पूरा वीडियो देखकर जरूर जाए, तभी जाके आपको पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सोल्यूशन समझ में आ पाएगा। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12 का आपका राजनीति विज्ञान विषय के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन कि किस प्रकार से दोस्तों आप सभी को यहाँ से इसका सोल्यूशन बना लेना चाहिए। दोस्तों आज हमारे द्वारा पूरा का पूरा आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले सभी IMP प्रश्न और उनके उत्तर दिखाए जाएंगे। तो इसलिए आप सभी लोग दोस्तों यहाँ से इस क्वेश्चन पेपर वाले वीडियो को पूरा अंत तक देखकर जरूर जाएं ताकि दोस्तों आप सबको ये पूरा एक ही बार में समझ में आ सकें। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पेपर में आने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर को। तो दोस्तों आप सभी लोग यहां से इन प्रश्नों को देख लेंगे, देख सकते हो दर आयोग की दो अनुशंसाएँ, भारत के केंद्र शासित राज्यों के नाम और भारत विभाजन के दो कारण। तो देखिएगा इन तीनों ही प्रश्नों को आप सभी लोग अच्छे से याद कर लेंगे, ये आपसे परीक्षा में दोस्तों पूछे जाएंगे। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, विलय पत्र क्या है, वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और इसको समझ लेने के बाद में आगे बढ़ते हैं। तो भारत के केंद्र शासित राज्यों के नाम लिखिए और इसी के अलावा एक वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपका, आप सभी लोग यहाँ से इसको याद कर लेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क क्यों कहा जाता है। वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है दोस्तों, आप सबसे परीक्षा में पूछा जाएगा। और इसी के अलावा अगले क्वेश्चन को देख सकते हो, राज्य पुनर्गठन आयोग को समझाइए, ये भी आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा और आधा क्वेश्चन का उत्तर इधर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ तक का आप सभी लोग इसको पूरा हल कर लेंगे और समझ लेंगे। और इसी के अलावा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से आप सभी लोग इन प्रश्नों का रिविज़न करते चलें। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर ये जो पूरा क्वेश्चन दिया गया है, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका को समझाइए, और इसको पूरा का पूरा दोस्तों यहाँ तक का याद कर लेना आप सभी को। और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, देख सकते हो ये जो क्वेश्चन लिखा आप सभी का, आप सभी लोग इस क्वेश्चन का रिवीजन कर लें अच्छे से, अल्पमत की सरकार लोकतंत्र के लिए बाधककारी है कैसे, इस क्वेश्चन को आप सभी लोग यहां तक का याद कर लें और इसको समझ लेने के बाद में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग यहाँ से इन क्वेश्चन का रिविज़न कर लें, देखिएगा क्या लिखा है, समाजवादी पार्टी के सिद्धांत लिखिए, और समाजवादी पार्टी के सिद्धांत के बाद में दोस्तों यहाँ से जनमत क्या है, दबाव समूह किसे कहते हैं, इन तीनों ही क्वेश्चन का रिविज़न कर लेंगे आप सभी लोग। और आगे देखा जाए तो सत्तारूढ़ दल के कार्य लिखिए, और इसके अलावा विपक्ष की क्या भूमिका होती है, इन सभी प्रश्नों का रिवीजन आप लोग कर लेंगे और इसी प्रकार के क्वेश्चन आप सबसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। और एक दोस्तों यहां से ये वाला क्वेश्चन आप लोग याद कर लेंगे, देख सकते हो क्या लिखा है, हरित क्रांति क्या है, वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, आप सभी से परीक्षा में पूछा जाएगा। और इसके अलावा प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या है, इसको भी आप सभी लोग पूरा याद करेंगे। और इसके अलावा यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन का रिवीजन कर लेंगे, पातेर पांचाली फिल्म क्या है, ये वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, आप सबसे परीक्षा में पूछा जाएगा ये वाला क्वेश्चन। और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर ये जो क्वेश्चन लिखे हैं, नियोजन के चार उद्देश्य बताइए, ये वाला क्वेश्चन दोस्तों वेरी IMP क्वेश्चन है, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और इसका रिवीजन कर लेंगे। और इसी के अलावा आगे बढ़ते हैं कुछ और प्रश्नों को और इनके उत्तर को देख लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन लिखा है, विकास शिखर सम्मेलन क्या है, और इसी के अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है, प्रवासी क्या है, इस क्वेश्चन को भी आप सभी लोग देख लेंगे और इसको समझ लेंगे। और इसी के अलावा आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों देख सकते हो आप सभी लोग यहां से इन प्रश्नों का रिवीजन अच्छे से ज़रूर कर लें ताकि दोस्तों आप सभी लोगों की तैयारियां बहुत अच्छे से हो जाए। तो दोस्तों आगे अगर देखा जाए तो और कौन कौन से क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं, 1960 के दशक को सबसे खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है, इस वाले क्वेश्चन का भी आप लोग रिविज़न कर लेंगे पूरी तरह से। और इसके बाद में आगे
गरीबी हटाओ कार्यक्रम के कौन कौन से कदम उठाए गए, तो इस वाले क्वेश्चन को देखिए आप सभी लोग और इसका रिवीजन कर लें। और आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा यहाँ पर नागरिक स्वतंत्रता से क्या से है, और इसके अलावा आगे इधर देखें क्या लिखा है, आपातकाल के दौरान जयप्रकाश नारायण की भूमिका क्या थी, इस क्वेश्चन को यहाँ तक का पूरा लिख लें। और इसी के अलावा नक्सलवादी आंदोलन क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों पूरे के पूरे आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। और इसी के अलावा आगे बढ़ते हैं तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं आप सभी लोग इनको देखेंगे और समझ लेंगे। 1971 के चुनाव के परिणाम स्वरूप हुई कांग्रेस व्यवस्था की प्रकृति कैसी थी, इस वाले क्वेश्चन को आप सभी लोग देख लेंगे और समझ लेंगे। और इसी के अलावा आगे बढ़ते हैं कुछ और प्रश्नों को और उनके उत्तर को देख लेते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर इस प्रकार का आपसे पूछा जाएगा। देख सकते हो शीत युद्ध किन साधनों से लड़ा जाता था, आप यहाँ तक का इसको याद कर लेंगे पूरा। और आगे बढ़ते हैं असंलग्नता क्या है और प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था, इस वाले क्वेश्चन को भी देख लें। शीत युद्ध के कारणों की विवेचना कीजिए, इस वाले क्वेश्चन का भी रिवीजन आप लोग कर लेंगे। और इसी के अलावा आगे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं दो ध्रुवीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ये वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लें और यहाँ तक का इसको पूरा याद कर लेंगे। और इसी के अलावा आप आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को और उनके उत्तर को देख लेते हैं। सभी के सभी प्रश्न आप सबको इसी प्रकार से तैयार कर लेने हैं। महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ सैनिक गठबंधन क्यों रखती थी, तीन कारण बताने आपको, तो यहाँ तक का आप सभी लोग इसको याद कर लेंगे। और इसके अलावा देख सकते हो अगले क्वेश्चन को देख लें, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वर्चस्व का क्या अर्थ है, कंप्यूटर युद्ध का नाम किसे दिया गया, इस सभी क्वेश्चन को आप लोग देख लें यहाँ से। और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं, यूरोपीय यूनियन क्या है, ये वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, आसियान का पूरा नाम क्या होगा। और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि आप सबसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर जो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ आप सभी लोग इनका रिविजन जरूर अच्छे से कर लेंगे। और एक ये वाला क्वेश्चन यूरोपीय यूनियन के उद्देश्य आपको बताने हैं, आप सभी लोग यहाँ से यूरोपीय यूनियन के उद्देश्य पूरे नोट कर लें। और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से आप लोग दोस्तों देख सकते हो दक्षिण एशिया क्षेत्र की प्रमुख विशेषता आपको बतानी है, आप सभी लोग यहाँ से इस प्रश्न को देख लें। और इसी के अलावा आगे बढ़ते हैं कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर ये जो क्वेश्चन लिखा है, भारत और पाकिस्तान किस समस्या से ग्रस्त है, तो इस वाले क्वेश्चन को देख लें। और कक्ष टीपू टापू कहाँ पर है, सार्क का मूल उद्देश्य क्या है। और इसी के अलावा आगे बढ़ते हैं कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं। दोस्तों देख सकते हो सभी के सभी क्वेश्चन आप सबसे परीक्षा में इसी प्रकार से पूछे जाएंगे जो कि दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। आगे देख सकते हो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन लिखा है, देखिएगा निषेधाधिकार की शक्ति क्या होती है, इसको आप लोग यहाँ तक का देख लेंगे। किसे विश्व की लघु संसद की उपमा दी जाती है। और इसी के अलावा एक ये वाला क्वेश्चन, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, वेरी मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है दोस्तों, इस बार आपसे परीक्षा में बिल्कुल ये पूछा जाएगा। और इसी के अलावा आगे बढ़ते हैं कुछ और प्रश्नों को और उनके उत्तर को देख लेते हैं। एक ये वाला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी लोग अच्छे से याद कर लेंगे, HIV एड्स क्या है, एड्स किसे कहते हैं, ये इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको दोस्तों आप सभी लोग याद कर लें। और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो मानव की सुरक्षा का क्या अर्थ है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, सभी के सभी क्वेश्चन आप सबसे परीक्षा में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। और आप सभी लोग यहां से इन प्रश्नों का रिवीजन अच्छे से जरूर कर लें क्योंकि दोस्तों मेरे द्वारा यहां पर आपको पूरे के पूरे पेपर में आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर बता दिए गए हैं, तो आप सभी लोग दोस्तों इसका रिवीजन बहुत अच्छे से जरूर कर लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत।